झारखंड के गुमला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण हुए मतदान की गणना शुरू हो चुकी है। मतगणना को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी चरण के मतदान के लिए भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। गुमला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में हुए मतदान की गणना जारी है। केओ कॉलेज गुमला में सिसई, भरनो व रायडी प्रखंड के विभिन्न बूथों में मतों की गिनती आज सुबह 7 बजे से आरंभ हो गई। काउंटिंग के लिए सिसई व भरनो प्रखंड के लिए 16-16 टेबल जबकि रायडी प्रखंड के लिए 17 टेबल बनाए गए हैं। डीसी सुशांत गौरव ने बताया कि मतगणना केंद्र पर दंड अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्वक और निर्विरोध तरह से मतगणना की जा सके। 8 बजे से काउंटिंग होना है, हमारे ऑब्जर्वर आ गए हैं और उनके प्रेजेंस में स्ट्रांग रूम खोला जा चुका है। इसके उपरांत अब जो है सभी हमारे अभ्यर्थी और उनके कंसर्न जो एजेंट है उन लोगों को एंट्री दी जा रही है ताकि उनके प्रेजेंस में जो बॉक्सेज है उनको सामने खोला जा सके और उसकी काउंटिंग शुरू की जा सके। और सबके लिए सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, अलग अलग ब्लॉक वाइज है, उनके हिसाब से एंट्री है। सारी चीज तैयारी हो चुकी है, बस अब इसकी शुरुआत होने वाली है और अगले 45 से 50 मिनट के अंदर पहले राउंड की जो है वो रिजल्ट भी घोषित की जा सकेगी। आशा करते हैं कि 8 बजे तक हम लोग सभी को संपन्न करा लें। इधर दूसरे चरण के मतदान के लिए गुमला, विशनपुर और घाघरा प्रखंड में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।